फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं दाल गोश और बगारे हुए चावल, यानी कि मटन दाल गोश और बगारा हुआ राइस। तो अभी ये ईद में बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं, ईद से एक या दो दिन पहले ही जाने वाला है। बना सकते स्पेशल ईद के लिए। हाँ, मैं भी ये बोल रहा था कि ये वीडियो ईद स्पेशल है, आप अपने ईद के मौके पे बघारा हुआ चावल और मटन दाल गोश्त बना सकते हैं। अगर जो बिरयानी बना रहे वो बस ईद को बना के खा लेना, ईद में भी बना सकते हैं। जैसे अभी देखो, बहुत से लोगों को बिरयानी नहीं पसंद, यानी कि नहीं, बहुत से लोगों को बिरयानी हजम नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं जिसको पसंद नहीं आते, उसमें से इसके दोस्त लोग ही चे दो तीन, इसके लिए बोल रहा हूँ। घर में आते ना, मेरे घर पे दावत के लिए, तो मैं बिरयानी बनाऊंगी ना, तो मेरे को उन लोगों के लिए अलग से बनाना पड़ता है दाल गोश्त, नहीं तो फिर मुझे होटल से ऑर्डर देना पड़ता है, फिर उन लोग नहीं खाते। मैं कुछ गलत थोड़ी बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ क्या? तो नहीं खाते, बहुत से लोगों को आदत नहीं है बिरयानी। समझ गए। तो भाई, जिसको अगर बिरयानी और कुछ अलग और यूनिक बिरयानी चाहिए, तो आप हमारा लास्ट से दो या तीन वीडियो पहले हमने कौन सा करते क्या बिरयानी दी, सही में मजा आ गया। घर में हमें सबने तारीफ किया, किसी बंदे ने ऐसा नहीं बोला कि टेस्ट नहीं आया। अरे अलग टेस्ट था सच्ची में उसमें ना, एक बिरयानी में दो टेस्ट था, मुर्ग मुसल्लम बिरयानी। अगर देखो, जिसको बिरयानी बनाना है तो वो बिरयानी बना लेना, जिसको अगर बिरयानी नहीं बनाना है तो वो ये रेसिपी आप अपने ईद या फिर ईद के बाद भी बना सकते हो। मटन दाल गोश और बघारा हुआ राइस है ना। चलो फिर नजर मारते इंग्रेडिएंट्स पे, दाल गोश और बघारा हुआ चावल बनाने के लिए हमें क्या क्या लेंगे। चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम मटन, दूधी, चने की दाल, तुअर की दाल, मसूर की दाल, टमाटे, प्याज, लहसुन, अदरक, इमली, नींबू, हरी मिर्ची, पुदीना, कोथमीर, हींग, गरम मसाला पाउडर। यहाँ लेंगे हम खड़े गरम मसाले में लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, शाहजीरा, तेज पत्ता, काली मिरी, दालचीनी, जावित्री, चक्रफूल। यहाँ लेंगे हम हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। और यहाँ लेंगे हम चावल। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो आज मैं बनाने वाली हूँ झटपट वाला दाल गोश, फटाफट रेडी करेंगे हम, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ दाल ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चने की दाल ली हूँ 100 ग्राम, तुअर की दाल ली हूँ 50 ग्राम, मसूर की दाल ली हूँ 50 ग्राम, ठीक है? तो ये तीनों दाल को आप भिगा लीजिए, 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर भिगा ली हूँ। ये तीनों दाल को मैंने मिक्स करके भिगा ली थी 2-3 घंटा पहले। तो अब हम ना दाल गोश का मसाला पीस लेते। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ कोथमीर, यहाँ हम डाल देंगे कोथमीर को तोड़ के। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें थोड़े पत्ते पुदीने के। यहाँ हम डालेंगे एक बड़ी डल्ली लेके लहसुन छिले हुए। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 4 हरी मिर्ची और यहाँ 2 इंच का अदरक का टुकड़ा। इसको मैं सब थोड़ा सा पानी डाल के पहले पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हरा मसाला अच्छे से पीस ली हूँ पानी डाल के। एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा रखना है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने हमारा कुकर ले लिए है, नया कुकर, ठीक है? इसके अंदर हम डालेंगे तेल। यहाँ मैं 150 ग्राम तेल इसमें ऐड कर रही हूँ। हम तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर तेल मेरा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम यहाँ पे खड़े गर्म मसाले डालेंगे। ये मैंने चावल के लिए और दाल गोश के लिए दोनों के लिए ली हूँ, इसी में हम दोनों के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 तेज़पत्ता डाली हूँ, थोड़ी सी काली मिरी डाली हूँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग। यहाँ डालेंगे हम 2 बड़ी इलायची और 4 से 5 छोटी इलायची, 1 चक्रफूल और ये शाहजीरा और जावित्री, ठीक है? अब हम इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे ये 3 प्याज। कितने? 3। 3 मीडियम प्याज ली हूँ मैंने काट के। यहाँ पे मैंने 600 ग्राम मटन ली हूँ, इसके लिए 3 बड़े प्याज ली हूँ, ठीक है? और हमको इसको कुछ लाल नहीं करना है प्याजों को। हाँ, ये प्याज को लाल नहीं करना है हमको, इसमें हम सब मसाले ऐड करेंगे। जैसा कि अभी मैंने ये अदरक लहसुन पीसी हूँ ना, अभी कोथमीर पुदीना, ये भी हम गरम मसाले और प्याज में ऐड कर देंगे।
एकदम झटपट बनेगी ना मैं, एकदम झटपट वाली रेसिपी है। हमको इसमें टाइम जरा भी वेस्ट नहीं करना है, हमको कुछ इसमें भूनना नहीं है, सब हम एक साथ ही चढ़ा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें, ये हम मटन लिए है ना, ये भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 600 ग्राम मटन ली हुई। इसी के साथ हम ऐड करेंगे इसमें 3 मीडियम साइज के टमाटे। इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी कटी हुई कोथमीर, बस थोड़ी सी, थोड़ी सी। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 चम्मच भर के जीरा पाउडर और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर। ठीक है, इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक मैं मेरे हिसाब से ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले लेना। इसको अब अच्छे से हिला लूंगी मैं। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ पहले। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जितना हमको मटन गलाने के लिए पानी लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आधा गिलास पानी मिक्सर की बाटी में ही ले ली। अब हम इसको अच्छे से ढक्कन लगा लेंगे। अब आपका मटन कितनी सीटी में गलता है आप लोगों को पता है, मेरा मटन अभी यहाँ पे 6 सीटी लगेगा, तो इसको मिलते हैं अभी 6 सीटी के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा गोश्त गल रहा है, जब तक हम क्या करेंगे दाल गला लेंगे दूसरे गैस पे। तो यहाँ पे मेरी दाल अच्छे से भीग गई है, तीनों दाल भीग गई है। कम से कम आप 1 घंटा तो भिगा ही लेना, अगर आप ज़्यादा देर नहीं भिगा सकते, टाइम नहीं है, तो कम से कम 1 घंटा तो भिगा ही लेना। भिगा लेने से क्या होता है ना, दाल अच्छे से गल जाती है और एकदम स्मूथ हो जाती है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, यहाँ पे मैं 1.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ हम इसके अंदर ये दूधी भी काट के मैंने रखी हूँ 1/2 किलो। ये दूधी भी हम दाल के साथ ही गलाएंगे, अलग अलग नहीं गलाएंगे। लौकी ना? हाँ, लौकी, क्या क्या नाम है इसका, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको नाम देते हैं, मैं तो इसको दूधी ही बोलती हूँ। अब हम इसमें भी थोड़ा नमक ऐड करेंगे, नमक हमने गोश्त में भी ऐड करे थे, इसके लिए थोड़ा संभाल के। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल। अब अच्छे से इसको भी हिला लेंगे। तो इसको भी अच्छे से हिला लेने का, देखिए 1 सीटी भी हो गई पटकते सा। तो अभी मैं इसको अच्छे से ढक्कन लगा के इसकी 4 सीटी कर लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों गैस बंद कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 7 से 8 सीटी हो गई है मटन की, और इधर भी 4 से 5 सीटी हो गई है, लेकिन अभी इसकी थोड़ी सी हवा बाकी है अंदर, और दाल वाली हवा पूरी निकल चुकी है। तो हम ये कुकर खोल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह दाल देखो अच्छे से गल चुकी है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, स्लोली स्लोली करके इसको एक एक करके हम पहले दूधिया अलग कर लेंगे, है ना, नहीं दाल हमको घोटना है, तो हमारी दाल के साथ दूधिया नहीं घुटना चाहिए, इसलिए हम एक यहाँ बॉल ले लिए है, और यहाँ पे हमारी दूधिये को हम अलग करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दूधी को अलग कर ली हूँ, और यहाँ पे हम दाल है ना चम्मच से ही घोट लेंगे, क्योंकि इतनी गल चुकी है कि दाल घुटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, चम्मच से ही पूरी अच्छे से मैश हो जा रही है। तो दाल अच्छे से मैंने मैश कर ली हूँ, अब क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। अब आते हैं हमारे गोश्त की तरफ। तो यहाँ पे भी इसकी हवा अच्छे से निकल चुकी है। वाओ, बिस्मिल्लाह। तो देख रहे हैं आप लोग, माशाल्लाह यहाँ पे भी तरी जम गई, सालन ऑलरेडी पूरा ऐसा लग रहा है पूरा तैयार हो गया है। गोश्त को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना अच्छा गल गया है। मैं फिर भी इसको थोड़ा सा ना पानी सुखा लूँगी, इसको गैस चालू करके एक 10 मिनट के लिए हम इसको और पका लेते हैं थोड़ा। तो हमारा गोश्त 10 मिनट तक पक रहा है, जब तक हम क्या करेंगे चावल बघार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चावलों के लिए टोप रख दी हूँ, इसमें हम डालेंगे तेल। यहाँ मैंने 50 ग्राम तेल ले ली हूँ। ठीक है, इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाले। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा ले ली हूँ, 3 छोटी इलायची ले ली हूँ, 1 चक्रफूल,
एक बड़ी इलायची, चार लौंग, थोड़ी सी दालचीनी और तेज़पत्ता और काली मिर्च, ठीक है। इसको थोड़ा सा चटकने देंगे। तो यहाँ पे गरम मसाला अच्छे से चटक गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। यहाँ मैंने ली हूँ 2.5 गिलास चावल, ठीक है। हम उसी के हिसाब से पानी डालेंगे। चावलों को मैंने धो के भिगा के रख दी थी, इसीलिए इसमें मैं अभी 3 गिलास पानी डालूंगी। तो यहाँ पे 2 गिलास पानी मैंने डाल दी हूँ। अब डालेंगे हम ये 3रा गिलास पानी, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर से ऐड करेंगे, क्योंकि चावलों को मैंने अच्छे से भिगा दी हूँ, वो भी 1 घंटे से अच्छे से भीग रहे हैं। इसके लिए सिर्फ 3 गिलास पानी डाली हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो हल्का सा हम छींटा मारेंगे दम के लिए, तभी जाके हमारे खुले खुले चावल पकेंगे, ठीक है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक मैं 1 गिलास के हिसाब से 1 चम्मच लेती हूँ, छोटा मेरा नाप का है, ठीक है। आप अपने हिसाब से ले लेना। अब इसको थोड़ा सा 1 बॉयल आने तक पकने देते हैं। अब आते हैं हमारे गोश्त पे। तो यहाँ पे हमारा गोश्त का भी अच्छा खासा पानी देखो सूख चुका है ना। खुशबू भी अच्छे से आने लग गई है, मस्त बोटी भी अच्छे से गल गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे जो हमने इमली लिए थे ना भीगने के लिए, इसको थोड़ा सा चूर के ले लेंगे, इसका पानी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से इमली मैंने निकाल ली हूँ, इमली का खटाई इसमें मैंने डाल दी हूँ। अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने दाल लिए है ना गली दी, ये हम इसमें अच्छे से ऐड करके मिला लेंगे। इसमें क्या है ना, ज्यादा झंझट नहीं रहती, 2 कुकर लेने का, फटाफट दोनों कुकर में चढ़ाने का और झटपट दाल गोश्त बन जाता है। कोई मेहमान आए या ईद बरात को भी बनाने के लिए बहुत अच्छा है। जिसके पास एक ही कुकर है वो क्या करेगा? हाँ, तो जिसके पास एक कुकर है वो बाजू वाले से ले लेंगे। नहीं कुकर है तो भी कोई बात नहीं ना, गोश्त गला के आप निकाल लीजिए, दाल गला के फिर उसी के अंदर पूरा गोश्त वोश का मसाला पलटी कर दीजिए, एक ही बात है उसमें। नहीं, बाजू वाले से भी ले सकते ना। हाँ ले सकते ना, क्यों नहीं ले सकते। इसमें हम नींबू निचोड़ लेंगे आधा, हमने इमली भी डाले है, आधा नींबू भी निचोड़ रहे है। नींबू बहुत महंगे हो गए, 1000 रुपए का हो गया। अब हम ये क्या बोला 1000 रुपए का दाल चाहोगे? हाँ देख ना, 10 रुपए का एक नींबू मिल रहा है। तो आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ पे कितने कितने का एक एक नींबू मिल रहा है। मेरे यहाँ तो 10 रुपए का एक नींबू मिल रहा है, ठीक है। अब हमको इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि हमने इसमें नमक ऑलरेडी दाल गलाने में भी डाले थे, मसाले में भी डाले थे। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसमें चखना चाहिए तो आप लोग चख लेना, लेकिन मैं अपने अंदाजे से डाल रही हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे ये हमारा दूधी है ना। अब आराम से इसको हल्के हाथ से हिला लेंगे, मस्त। अब इसको पकने देते हैं और ये कुकर के अंदर हमारी दाल वेस्ट हो रही है, ठीक है। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी डाली हूँ। इसमें हमारा कुकर भी अच्छे से धुल गया और दाल भी हमारी वेस्ट नहीं हुई है ना, झटपट, इतना झटपट। हाँ इतना झटपट। अब जाके इसके हिसाब किताब बराबर हुआ, क्या एकदम घट हो गया था। अभी हम इसको 10 मिनट दम पे भी रखेंगे तो फिर क्या और गाढ़ा हो जाएगा, और दाल गोश्त ऐसा है ना पकने के बाद रखेंगे ना तो और घट होता है, ठीक है। इसके लिए हमको जितना पानी डालना है पहले ही उसमें ऐड कर लेना, क्योंकि वापस से ऊपर से पानी डालते रहेंगे तो हमारे दाल गोश्त का मजाक किरकिरा हो जाएगा। और अगर फिर भी मजबूरी है, बहुत ज्यादा घट हो गया है, तो गर्म पानी कर ही ऐड करना, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना। इसको अभी मैं ऐसे ही 10 मिनट के लिए पकने छोड़ दूंगी धीमी आंच पे। तो यहाँ पर पानी अच्छे से बॉईल हो गया है मेरा। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। ये बघारा खाना ही इसका जोड़ीदार रहता है चावल का, ये दाल गोश्त का बघारा चावल। हाँ, बघारा चावल और जीरा राइस, ये दोनों चावल बहुत मस्त लगते हैं दाल गोश्त के साथ, बघारा चावल और दाल गोश्त। ये भी ईद स्पेशल है, शबे बरात स्पेशल है, बकरीद स्पेशल है, आप जब जी में आया वो खा लीजिए। बहुत से लोगों को दाल गोश्त बहुत पसंद आता है, हर वक्त खाने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। इसको अभी पकने देंगे। तो यहाँ 6 से 7 मिनट हो गए हैं चावल पकते हुए हमारे। हाँ
पानी तो सूख गया है अच्छा खासा। चावल खुले खुले पकाना है ना, बासमती चावल को कभी भी आप पानी पहले कम ही डालो, कभी ज्यादा एक साथ मत डाल देना। देखो अभी हल्का सा कनी बाकी है तो अभी हम इसमें ज्यादा पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ढक के दम पे रखेंगे। ये अभी खुले ही बनेंगे, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, थोड़ा सा ये हल्का सा कलर भी ऐड कर देंगे चावलों में, इससे क्या नजरों को अच्छा लगेगा थोड़ा सा हमारा दाल गोश्त का चावल खाने में, है ना। कोथमीर मैं बोला अभी तक गई क्यों नहीं। अब हम इसको ढक के आराम से 5 मिनट तक एकदम धीमी आंच पे छोड़ देंगे। अब आते हैं हमारे दाल गोश्त पे, तो यहाँ पे दाल गोश्त हमारा अच्छा धीमी आंच पे ट्रांसफर कर दिए थे हमने, फास्ट के ऊपर हमने चावल कर दिए थे, धीमी आंच पे हमने ये कर दिए थे। तो अब देख रहे हैं आप लोग दम पे दाल गोश्त हमारा माशाल्लाह 5 मिनट ये भी रेडी हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम ये गरम मसाला पाउडर जो हमने साइड में रखे थे, ये घर में पिसा हुआ गरम मसाला है, ठीक है। इसमें डालेंगे थोड़े से पुदीने और इसमें डालेंगे थोड़ी कोथमीर और इसी के साथ हम इसको 1 मिनट पकाएंगे। तो यहाँ पर मेरा दाल गोश्त रेडी हो गया है मस्त एकदम, आप लोगों को बताती हूँ मैं। देख रहे हैं आप लोग मस्त एकदम मेरा दाल गोश्त रेडी हो गया है। अब ये और घट होएगा ठंडा होने पे, ठीक है। यहाँ पे मेरा दाल गोश्त रेडी हो गया है, अगर आपको तड़का चाहिए तो आप मार लेना। और यहाँ पे मेरा चावल भी रेडी हो गया है। चावल चावल पक गया, बघारे वे चावल, बघारे वे चावल, नकली बिरयानी। ये देख रहे आप लोग चावल एकदम मस्त पके है और एकदम खुले खुले चावल पके है, ठीक है। अभी मैं इसके ऊपर घी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रही। अगर जिसको शौक है घी के साथ और चावल खाने का तो इसके ऊपर आप घी बिछा लेना और ढक्कन ढक देना, ठीक है। तो दोस्तों तैयार हो गया अपना दाल चा और क्या है, मटन का दाल गोश्त, मटन दाल गोश्त और बघारा चावल खाना, जिसे बोलते हैं जीरा राइस भी बोलते हैं, लेकिन अभी बघारा चावल थोड़ा अलग, जीरा राइस अलग होता है और ये बघारा चावल अलग होता है क्योंकि इसमें सारे गरम मसाले पड़ते हैं। तो ये और जीरा राइस में सिर्फ जीरा पड़ता है, ये बघारा चावल। अच्छा तो हमको बचपन में बघारा चावल के नाम पे पीले चावल दे देते थे। सब खाता था लेकिन सब में कुछ ना कुछ नाम रखना जरूरी है। तो उसको बघारा चावल बोल के खिलाते थे वो पीला। ये कौन से चावल की बात कर रहा है बताओ, आपको जो राइस रात में बच जाते थे दूसरे दिन हम यूज में लेते थे, उसको हम गरम मसाला थोड़ा सा प्याज और थोड़ी सी हल्दी डाल के उसको बघार लेते थे, फिर कुछ भी सूखी भाजी या सूखा मटन बना के वो चावल हम इस्तेमाल करते थे। मुझे लगता था कि ना चावल में हल्दी डाल के तेल डाल के उसको बोलते हैं बघारा खाना इसके लिए। तो भाई ये देखो भाई सही में माशाल्लाह एक नंबर अपना मटन का दाल चा बनाया। इससे वैसे पहले भी अपन ने मटन दाल गोश्त बनाए थे, पहले भी मैंने मटन का दाल गोश्त बनाई थी, लेकिन हम मटन गला के अलग निकाल लिए, दूधिया और दाल गला मतलब के अलग मगज मारी, फिर उसके बाद में हमने प्याज लाल किए, फिर मसाले भूनते बैठे, फिर उसके बाद में गोश्त दाल, वो सब प्रोसीजर लंबा हो गया। इन शॉर्ट ये है झटपट वाला दाल चा, भूनते ही नहीं बैठने का कुछ भी, सब डाल देने का, सिर्फ गरम मसाले की खुशबू आने के लिए तेल में तड़का गरम मसाले का लगा देंगे, गरम मसाले का छोक लग गया, खुशबू आ गई, छोड़ देने का, धन 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 सब कच्चा माल। लेकिन ये नॉर्मली टाइम पे आपको लगेगा कि झटपट है, रोजे में अगर आप बनाओगे ना ऐसा लगेगा कि 2 दिन से डिश बन रही है। इतने हालत खराब हो जा रही है। लेकिन सही बोलू सच में हमारे घर में ना सब रोजे लग रहे हैं। 3 साल है ना ये रमजान में अपन रेसिपी बना रहे, तीसरा साल है। 2 साल सही में इतना मालूम नहीं पड़ा था ना, और ये साल भी नहीं मालूम पड़ा, 15-16 रोजे तक नहीं मालूम पड़ा, लेकिन इसके बाद के जो लग रहे ना भाई कहाँ लग रहे नहीं बता सकता यार। ऐसे ना बॉडी का शेप दो दिखता है, दो सुबह के 5 बजे शेप ऐसा रहता है और शाम के 5 बजे शेप ऐसा रहता है। शहरी में खा के पेट ऐसा आ जाता है, शाम को देखो पेट खा गया है, हाल भी नहीं भरता है। तो ऐसा थोड़ा हालत खराब चल रही है रमजान में, समझ के अम्मी भी थक जाते मेरे को घड़ी घड़ी बोलता अम्मी जाग रहे ना।
हमें आवाज निकल रही नहीं, हमें आवाज निकल रही नहीं, अरे हाँ बाबा हाँ निकल रही। तो भाई मेन मकसद यही था हमारा ये डिश बनाने का कि ताकि आप अपने ईद के मौके पे या बाद ईद के मौके पे जो लोग बिरयानी नहीं खाते नहीं भाई खाते। मैं तो बोलूंगा कि बिरयानी बनाना, क्योंकि यार वो एक अलग माहौल रहता है। अपने जो नॉन मुस्लिम दोस्त लोग है ना, वो लोग भी वेट करते हैं ईद में लोग घर पे बिरयानी। अच्छा, बिरयानी बनाने का एक तरीका आप लोगों को बताती हूँ। जैसा ईद में शॉर्ट टाइम रहता है, बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो आप है ना अपनी मसाला जो उसका होता है ना वो रेडी करके आप फ्रिज में रख सकते हैं, खराब नहीं होता है बिल्कुल भी। मैं कभी कभी करती हूँ, मसाला गोश्त वो सब एकदम मैरिनेट करके उसको तैयार करके फ्रिज में नीचे रख देती हूँ, ठीक है। और उसको दूसरे दिन हमको सिर्फ चावल बॉईल करने का रहता है, प्याज वगैरह जो हमको बिछाना है वो भी हम लाल करके पहले से ही रख लेना, कोथमीर पुदीना सब एक दिन पहले से तोड़ के सब रेडी करके आप फ्रिज में रख दीजिए। दूसरे दिन शिरकुरमा बनाने के बाद सिर्फ चावल बॉईल करना रहता है, फिर वो अखनी को निकाल के आप दम के बिरयानी बना सकते हैं झटपट वाली। अगर बिरयानी नहीं बनाना है तो फिर ये आप बना सकते हो, लेकिन अगर आपको बिरयानी ही बनाना है हाँ। तो यार जरूर हमारी जो हमने लास्ट 2 से 3 वीडियो हाँ। पहले बनाई थी मुर्ग मुसल्लम बिरयानी हाँ। सही में आपने शायद ही कभी बनाई होगी, मेरे हिसाब से तो नहीं बनाई होगी। अगर नहीं बनाई होगी तो प्लीज वो ही बिरयानी बनाना, मजा आ जाएगा। जैसे सबको पसंद आया वो, फिर से बहुत जल्दी हम लोग हमारे घर में बनाने वाले हैं, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। खाली फर्क इतना है ना कि गर्मा गर्म नहीं मिली थी खाने, लेकिन टेस्ट बहुत ही मस्त था। इसके लिए सबने मुझे फरमाइश के लिए कि अम्मी अब है ना तुम रोजे के बाद रमजान के बाद ये बिरयानी फिर गरम गरम हमारे घर में, हमारे रोजा खोलने तक वो बिरयानी ठंडी हो गई थी और फिर हमको उसको गर्म करके दम करके हाँ। खाना पड़ा था। जैसे हमने लास्ट ईयर बनाए थे चिकन टिक्का बिरयानी, बहुत लोगों ने उसे अपने ईद के मौके पे बनाया था। अब की बार कुछ नया, सरकार नहीं बिरयानी हाँ, मुर्ग मुसल्लम बिरयानी आप जरूर बनाना। और जो कोई भी बनाएगा मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो शेयर कर सकता है, इंस्टाग्राम की आईडी स्ट्रीट फूड जाएगा, मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो उसको ओपन करो और फॉलो करो। चलते हैं और भाई वीडियो को लाइक करो, भेजो वीडियो को लाइक करो। अब हमारे चैनल पे जो नया है जिन्होंने अभी देखे सब्सक्राइब ही नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करना, लाइक हाँ। भी जरूर करना। अभी यार हम लोग ना 1 मिलियन के बहुत ही नजदीक है, बहुत ही करीब है, जल्दी करा दो, सबर ना फटाफट खत्म होना चाहिए। हम लोग इतना दूर रहता है ना 8-9 तो बर्दाश्त होता है, 9:30 क्रॉस हो गया, नजदीक नजदीक आता ना, अरे यार जल्दी करा दो, मजा आएगा यार 1 मिलियन एडवांस में ना इतनी मुबारकबाद आ रही है हाँ, तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी हो जाए तो हम भी कुछ मुबारकबाद शेयर करें आप लोगों हाँ। के साथ है क्या नहीं? सेलिब्रेशन देखना है ना, तो जरा फटाफट शेयर करो और हमारे 1 मिलियन फटाफट करा दो हाँ। ठीक है, चलो अब चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज, बाय बाय। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना।